आज ब्लॉक संसाधन केंद्र राजेपुर के इस प्रांगण में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार विश्व शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश के क्रम में आज यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रांगण में हम अपने माननीय विधायक अमृतपुर का, अपने खंड शिक्षा अधिकारी राजेपुर, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एडीओ पंचायत और यहाँ पे उपस्थित समस्त शिक्षक संकुल, प्रधान अध्यापक एवं बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं अपने माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देते हुए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। जैसा कि हम आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे कमजोर हैं या किसी कारण से पिछड़े हुए हैं, उनको बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से, जैसा कि हम आप जानते हैं कि बच्चों का भविष्य उनके बुनियादी शिक्षा पर निर्भर करता है। किसी भी देश का भविष्य बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है और बच्चों का भविष्य तय होता है उनके परिवेश, उनके बेहतर शिक्षा से। जो बेहतर शिक्षा है वह हमें एक विद्यालय से मिलता है। विद्यालय हमारी एक कार्यशाला है जहां बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। मिशन प्रेरणा में बुनियादी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। जैसा कि हम आप जानते हैं, वैश्विक महामारी के कारण हमारे बच्चे हमसे लगभग 11 माह दूर रहे हैं। जब 11 माह बाद हमारा विद्यालय खुल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं 10 फरवरी से उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का आगमन विद्यालय में हुआ है और 1 मार्च से हमारे प्राथमिक बच्चों का आगमन विद्यालय में हुआ है। हमारे बच्चे जो 11 माह हमसे दूर रहे हैं, हमारा लगाव उनसे कैसे होगा, वो कैसे साथ से सीखेंगे, उसके लिए यह मिशन का कार्यक्रम प्रेरणा या ज्ञानोत्सव के नाम से जाना जा रहा है, उसके नाम से किया जा रहा है। यह 100 दिन का पूरा कैंपेन है। यह 100 दिन के कैंपेन के माध्यम से हम जन आंदोलन के रूप में मिशन प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक अभिभावक को जागरूक करेंगे और बच्चों को सहज करेंगे। उसके लिए हमें जन चौपाल के माध्यम से और जो मानक संचालन प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपना विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, माननीय सर हमारे समस्त प्रधान अध्यापकों को एसओपी के बारे में पूर्व में जब हमारा प्रधान अध्यापकों की बैठक संपन्न हुई थी, उसमें जो हमारा प्रक्रिया पूरी थी उनको विधिवत रूप से बताया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में COVID-19 प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और दूरी के आधार पर हम बच्चों का शिक्षण कार्य कराएंगे, उसके बारे में विधिवत रूप से हम बच्चों को बता चुके हैं और हमारे अध्यापक ही अपने अभिभावकों को भी बताए हैं कि किस दिन हमारे किस बच्चे को आना है, उसके लिए पूरा शेड्यूल जारी किया गया है सर। उसी के आधार पर पूरे कार्य किए जा रहे हैं सर। जन चौपाल के माध्यम से कई कार्यक्रम किए जाने हैं जिसमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के बारे में प्रत्येक अभिभावक को बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं, इन दक्षताओं को प्राप्त करेंगे और उसका अंकन हम प्रेरणा तालिका के माध्यम से करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यह बच्चे ने इतनी दक्षता प्राप्त करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। सर
इसके लिए आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह तीन हस्त पुस्तिकाएं विभाग द्वारा प्रत्येक शिक्षक को उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके माध्यम से हमारे शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा रोचक तरीकों से प्रदान करेंगे। ध्यानाकर्षण पुस्तक सर बच्चों में जो रिमीडियल टीचिंग, जो उपचारात्मक शिक्षक जो कमजोर हैं उनको 18 टेक्निक के माध्यम से हम बच्चों को उनकी जो दक्षताएं हैं उसको प्राप्त करेंगे। और शिक्षण संग्रह में हम किन किन तकनीकों के माध्यम से हम बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करेंगे, हम प्रातःकालीन सायं सभा में क्या करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे दिया गया है, हमारे शिक्षक उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। सर बच्चों सहज पुस्तिका का उपलब्ध कराया गया है विभाग द्वारा, जिसमें रोचक कहानियां और कविताएं दी गई हैं। यह कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई है और प्रत्येक विद्यालय में इसका वितरण करा दिया गया है। प्रिंटेड सामग्री अपने कक्षा कक्ष को, जो हमारा आज परिवर्तित कक्षा कक्ष का रूप होगा, उसके बारे में प्रिंटेड सामग्री उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक विद्यालय में प्रिंटेड सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, जिसके माध्यम से अपने कक्षा कक्ष को रोचक बनाए रहे हैं हमारे अध्यापक। संत माडोल में आदरणीय सर जो है, इसमें बच्चों को कैसे हम रिमीडियल के माध्यम से 8 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम दिया गया है। कक्षा 1 से 5 के बच्चों को 3 स्तर में विभाजित करके भाषा और गणित में उनका आकलन करके उनके माध्यम से हम शिक्षण कार्य कराएंगे। गणित किट उपलब्ध कराई गई है प्रत्येक विद्यालय में, उन गणित किट के माध्यम से हम बच्चों का ज्ञान बढ़ाएंगे कैसे गणित किट का प्रयोग करना है। शिक्षण योजना जैसा कि हमारे शिक्षा संग्रह हर पुस्तिका में दी गई है कि शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करना है, हम अपने पाठ को किस तरह से विभाजित करके कैसे पढ़ाएंगे जिससे हमारे बच्चे अच्छे से अधिगम को प्राप्त करेंगे, और जो हम कार्य करेंगे उसको हम शिक्षक डायरी में भी उसका अंकन करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की गई है और हमारे प्रत्येक कक्षा में लर्निंग कानून की भी व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक विद्यालय में वितरित किया गया है। बाल संसद का गठन किया जाना है। बाल संसद का गठन के माध्यम से हम बच्चे के जहां हमारे शिक्षक कम हैं विद्यालय में, वहां पे हम बाल संसद के बच्चों का प्रयोग करेंगे, उनके माध्यम से हम शिक्षण कार्य कराएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति जो हमारा सबसे प्रभावी इस समय जन समुदाय के माध्यम से हम अपना कार्य कर रहे हैं। विद्यालय अवधि का पुनः निर्धारण कर दिया गया है टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार। हमारे जो विद्यालय समय है वह ग्रीष्मकाल में 8 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन हमें 15 मिनट पूर्व और आधे घंटे बाद हमें विद्यालय में उपस्थित रहना है। दीक्षा ऐप रीड एलांग के बारे में प्रत्येक हमारे अभिभावकों को बताया गया है। हमारे अध्यापक समस्त इस पे कार्य कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। दूरदर्शन पे जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं 9 बजे से 1 बजे तक, उसके बारे में अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चों को वह शैक्षिक कार्यक्रम जो प्रसारित किया जा रहा है उसको देखने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक संकुल के माध्यम से हमारे जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, हमारे शिक्षक संकुल साथी अपने विद्यालय को पहले प्रेरक विद्यालय बनाएंगे, फिर अपने उसके अंतर्गत आवंटित विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने का कार्य करेंगे। हमारे जो ARP हैं हमें समय शिक्षकों का सहयोग प्रदान करेंगे, जहां उनको कठिनाई होगी वह वहां उपस्थित होंगे। जैसा कि प्री प्राइमरी क्लासेस का प्रारंभ हो गया है, इस सत्र से 21-22 से प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे और 21-22 से NCERT की जो पुस्तकें हमें प्राप्त होनी है उसके माध्यम से कक्षा 1 में NCERT की पुस्तक लागू होगी। शारदा प्रणाली के अंतर्गत आउट ऑफ जो बच्चे हैं उनका नामांकन करना है, उनका चिन्हांकन करना है, उसके माध्यम से हम कार्य करेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें बिना भेदभाव किए हुए उनको शिक्षा प्रदान करना है और स्मार्ट क्लासेस का
संचालन किया जाना है। यह समस्त कार्य शिक्षा चौपाल में अभिभावकों को जागरूक करना है, इनके बारे में उनको बताना है, उनके महत्व के बारे में समस्त कार्य, जैसे हमारे पुस्तकालय है, अभिभावकों को पुस्तकालय का अवलोकन कराया जाए और उनको बताया जाए कि पुस्तकालय जो है के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं के माध्यम से हम शिक्षण कार्य कराएंगे, जिससे बच्चों में रोचकता आ जाएगी। साथ ही सर, शिक्षा चौपाल में अभिभावकों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमारे शिक्षक साथी जब गांव में अपने भ्रमण करेंगे तो अभिभावकों को जागरूक करेंगे और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों के साथ जो गृह कार्य दिया जा रहा है उनको बैठ करके वह कार्य कराएं और दीक्षा ऐप डाउनलोड जो कराया गया है उनके बारे में भी उनको प्रेरित करना है कि उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। और साथ ही सर, हमारे यहाँ जनपद में डीटीएफ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ब्लॉक में बीटीएफ ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से हम अपने मिशन प्रेरणा को प्रभावी ढंग से कराएंगे। उसके लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ब्लॉक में हमारे उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हमारे समस्त डीटीएफ और बीटीएफ के जो लगे हुए हैं सर लोग, वह पूरे अपने कार्य को कर रहे हैं। साथ ही हमारे एआरपी और एसआरजी को प्रत्येक चौपाल में 10-10 चौपाल में प्रतिभाग करना है। माननीय सर, आप लोगों को भी इस चौपाल में प्रतिभाग करना है, जैसा कि हम लोगों को विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जब भी जन चौपाल हो तो अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इससे अवगत कराए, जिससे वह उस चौपाल में प्रतिभाग कर सके। सर, यह जन चौपाल बहुत ही प्रभावी कार्य करेगा, हमारे बच्चों को प्रेरित करेंगे, हमारे अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।